आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपका आना जाना टू एंड फ्रो एवरी डे का हो, तो आप लीजिए फूड ट्रक विच इज़ विद इंजन ड्राइवेबल ऑप्शन. अगर आप कहते हैं आप कभी कभी मूव करना चाहते हैं, यू नो वंस इन अ वीक, महीने में एक बार, मूवमेंट कम है, देन गो विद अ फूड ट्रेलर ऑप्शन. फूड ट्रेलर मतलब आपके पास व्हील्स है, टोइंग अरेंजमेंट है, इंजन नहीं है, जैसे इसके अंदर है कि आपने टो किया एंड देन यू मूव इट, सो उसमें आपका जो गाड़ी का कॉस्ट है वो सेव हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास, अगर आप कहते हैं आपके पास फिक्स जगह पे करना है, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है जिसको हम कियोस्क कहते हैं, जिसमें व्हील्स वगैरह कुछ नहीं होते, वो स्टेशनरी होता है. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, वो भी पोर्टेबल होता है. कल को अगर आपका धंधा बिजनेस एक जगह नहीं चल रहा है, आपने या तो उसे उठाया दूसरी जगह मूव कर दिया, या अगर मॉल के अंदर है, एयरपोर्ट के अंदर है, डिसमेंटल कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में बनता है और वहाँ दूसरी साइड पर रीअसेंबल कर दिया. फंडा क्लियर है सर हमारा डे वन से, कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप लगा रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड. और अभी फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूं सिक्विल कंपनी के पास. जैसा कि आपने पिछले काफ़ी वीडियोस देखा होगा, सिक्विल कंपनी जो फूड ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेलर, कियोस्क, कार्ट एंड किचन इक्विपमेंट्स में डील करती है, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं. और आपने पीछे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी जहां पर अलग अलग हमने फूड ट्रक्स, ट्रेलर और कियोस्क दिखाया था, बट इस बार इन्होंने आईएचई 2024 में नया डिज़ाइन लेकर आए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं. अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार शुभम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर. वन सेकेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. थैंक यू सो मच. जहाँ जहाँ भी जिस भी एग्जीबिशन में जाओगे, हम लोग आपके पीछे आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इस बार आपने नया मॉडल लेकर आया है. बिल्कुल, कुछ डिफरेंट लेके आए इस बार. पहले मैं अपने यू नो नए दर्शकों को बता दूं, नए जो आपके चैनल पे लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम पार्थ सचदेवा है एंड आई रिप्रेजेंट अ कंपनी कॉल्ड शिकवील. कंपनी का नाम शिकवील है एंड हम लोग करते हैं फूड ट्रक्स, ट्रेलर्स, कियोस्क जो जनरली आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, मॉल्स में देखते हैं, एटीएम्स वगैरह में. वी डू पुश कार्ट्स एंड हम लोग किचन इक्विपमेंट भी बनाते हैं, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, ढाबा हो, इंडस्ट्रियल किचन के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको, कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए, वी डू इट ऑल, सारा का सारा हम लोग करते हैं. और कहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आप लोग डील कर रहे हैं? सो वी हैव आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन दिल्ली. दिल्ली में हमारा सारा प्रोडक्शन होता है, पर हम सप्लाई पूरे इंडिया में करते हैं. एंड मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि हम कोई नए नहीं हैं इस इंडस्ट्री में. मैं खुद चौथी पीढ़ी हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो आप कह सकते हो कि हॉस्पिटैलिटी मेरे खून में है. सो या तो पिछला मॉडल जो सर हमने आहार में दिखाया था, वो काफ़ी वायरल रहा, लोगों के तो काफ़ी रिस्पांस आए और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए, बट इस मॉडल के बारे में देखते हैं क्या कुछ नया होने वाला है इस मॉडल. बिल्कुल, हर बार की तरह हमारी कोशिश यही रहती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट हम यूनिक लेके आए. एंड इस बार भी हम एक डिफरेंट सा एक सेटअप लेके आए, कंपैरेटिवली पिछली बार से भी बड़ा है. आइडिया ये था कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा सके, बिकॉज एग्जीबिशन में पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे यूनिट्स रखें, अलग अलग चीज़ें दिखाएं, बिकॉज हमारे साथ क्या है, कस्टमाइजेशन इतनी है, इतनी डिटेल है कि हमारे SOQs बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने एक फुल फ्लेज्ड मॉडल लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें आप अलग अलग कुजींस बना सके. सो उस तरीके से पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है. प्लस जैसे आप देखेंगे कि जो लुक एंड फील हम लोगों ने दिया है, वो बहुत सोच समझ के वेरी ब्राइट और वाइब्रेंट ऑरेंज कलर यूज़ किया है. वो एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो कलर है वो इतना सुंदर हो, या आपकी ब्रांडिंग या आपका लुक एंड फील शुड बी सच कि कस्टमर देख के आए. एंड वही चीज़ हो रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि लोग यू नो वॉक इन कर रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, उनके लिए कुछ एक नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ है जो हम उनको दे रहे हैं. तो ये फूड, ये ट्रॉली होगा कैसे? बिल्कुल. सो इसको हम लोग जो कहते हैं, ये है फूड ट्रेलर. ट्रेलर, ठीक है. फ़र्क क्या होता है, अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ चाहिए जो मूविंग हो, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपका आना जाना टू एंड फ्रो एवरी डे का हो, तो आप लीजिए फूड ट्रक विच इज़ विद इंजन ड्राइवेबल ऑप्शन. अगर आप कहते हैं आप कभी कभी मूव करना चाहते हैं, यू नो वंस इन अ वीक, महीने में एक बार, मूवमेंट कम है, देन गो विद अ फूड ट्रेलर ऑप्शन. फूड ट्रेलर मतलब आपके पास व्हील्स है, टोइंग अरेंजमेंट है, इंजन नहीं है, जैसे इसके अंदर है कि आपने टो किया एंड देन यू मूव इट, सो उसमें आपका जो गाड़ी का कॉस्ट है वो सेव हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास, अगर आप कहते हैं आपके पास फिक्स जगह पे करना है, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है जिसको हम कियोस्क कहते हैं, जिसमें व्हील्स वगैरह कुछ नहीं होते, वो स्टेशनरी होता है. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, वो भी पोर्टेबल होता है. कल को अगर आपका धंधा बिजनेस एक जगह नहीं चल रहा है, आपने या तो उसे उठाया दूसरी जगह मूव कर दिया, या अगर मॉल के अंदर है, एयरपोर्ट के अंदर है, डिसमेंटल कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में बनता है और वहाँ दूसरी साइड पर रीअसेंबल कर दिया. फंडा क्लियर है सर हमारा डे वन से,
कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप लगा रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। केपेक्स आपका कहीं पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक जगह नहीं चल रहा, दूसरी नहीं चल रहा, तीसरी नहीं चल रहा, चौथी। सो वो एक जो आपकी लिमिट होती है ना, मतलब वो स्काई इज द लिमिट वाला सीन हो जाता है। कितनी लेंथ विथ क्या रहने वाली है? ये पर्टिकुलर मॉडल अगर आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई है 25 फुट लंबा है और लगभग 8-8.5 फुट चौड़ा है। और इसके अंदर हमने एक यूनिक फीचर भी दिया है, हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इन केस आपको हैंड पेंटेड ग्राफिटी या कुछ करवाना है, या डिज़ाइन या चीज़ें कुछ आप करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए, जो ये हमारा जो फ्रंट है इसका, अगर आप इसको फ्रंट से कवर करेंगे, एंड मैं आपके कैमरा मैन के बोलूँगा कि आप इसे दिखाएं, ये पूरा हम लोगों ने कैफे का पूरा एक डिज़ाइन बना रखा है, जिसमें सब कुछ हैंड पेंटेड ग्राफिटी है। ये सारा हमारे डिज़ाइनर्स ने, इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम है जिनने पूरा ग्राफिटी बनाई है। कुछ भी थीम पे कोई भी चीज़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। एनी डिज़ाइन, मतलब जो आप करना चाहते हैं उस तरीके से हो सकता है। अगर आप कोई ऐसे थीम बेस्ड चाहते हैं और ये आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हाथ से पेंटिंग किया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके का काम हो, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, आपको रैप करना है, आपको ग्राफिटीज चाहिए, आपको पेंट चाहिए, आपको टाइलिंग चाहिए, आपको वुड का मटेरियल चाहिए, वी हैव द इंटायर टीम टू डू इट ऑल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कस्टमर यहाँ पर आके आप खड़े हो सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, आप लाइव कुकिंग भी देख सकते हैं। डेफिनेटली, यू नो, मेरी एक मानना है कि जितना विजिबल होगा आपका किचन उतना बेटर है। उसके दो फायदे, एक कस्टमर को सब कुछ दिख रहा है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही बढ़ गया आपके प्रति कि लाइव कुकिंग है, मेरे सामने बन रहा है, हाइजीनिक खाना बेच रहे हो यार, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। दूसरी बात क्या होती है कि विजिबिलिटी दूर से बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस अगर आप देखोगे, छोटी छोटे पॉइंट हमने जो ध्यान में रखा है, पिकअप जो हमारा है वो बहुत कन्वीनियंट हाइट पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे हो और ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो, सो वो बिल्कुल एक एप्ट जो हाइट होती है, जो हमारा लगभग 4-4.5 फुट का पिकअप हाइट होता है, ये उसी हिसाब से सारा का सारा प्लान किया गया है जी। तो जो आप लोग जैसे इंटीरियर में अगर देखे, तो आपने मटेरियल जो यूज़ किया है, ये फूड ग्रेड मटेरियल यूज़ किया है आपने? यस। सो बेसिकली क्या होता है, जितने भी ट्रक्स या ट्रेलर्स या मटेरियल हम बनाते हैं, दोज आर इंसुलेटेड विथ फायर रेजिस्टेंट इंसुलेशन। मैं बार बार इस पे क्यों एम्फसाइज करता हूँ, बिकॉज सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है जो कभी भी हमारे को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दो दीवारें हैं, बीच का पाइप का ढांचा है, एक बाहर की दीवार है और एक अंदर की दीवार। ये आप खुद देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस क्या है, कि ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, एंड द इंसुलेशन यूज्ड इज फायर रेजिस्टेंट। जिसका मतलब कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कल को कोई रिस्क होता है, गैस है, कुछ होता है, तो आग स्प्रेड नहीं करने देगा। आपके पास उतना टाइम होगा कि आपकी टीम पूरा का पूरा एग्जिट कर सके, निकल सके। सो सेफ्टी, तो सेफ्टी जो मेजर्स है उसका काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आप अगर अंदर आते हैं, तो अंदर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। बिल्कुल जी। सो जैसे अगर आप देख रहे हैं, जो हमारा पूरा का पूरा एक एली है, वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि दो लोग, एक बंदा यहाँ खड़ा है और आप मेरे पीछे अगर बैक टू बैक काम कर रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल स्पेस है। आपकी जो शेफ़ की टीम है वो आपस में टकराएगी नहीं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप काम कर रहे हो, रश आर है, प्रेशर है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो कंफर्टेबलनेस होना चाहिए। एट दी एंड क्या है, आप एक चीज़ समझिए, जो टीम आपके लिए अंदर काम कर रही है, जो शेफ काम कर रहा है, जी जी, आपको धंधा उन्हीं से मिलना है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, तो सब कुछ पॉसिबल है। ये इकोनॉमिक्स का काफ़ी ख्याल रखा गया है कि भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके जो शेफ काम कर रहे हैं वो आराम से काम करे। बिल्कुल, आप खुद इंजीनियर है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो छोटी छोटी बारीकियाँ जो है वो ध्यान में रख के करनी चाहिए चीज़ें, एंड वो चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन करके ही एक एक चीज़ करी है। एंड जब आप पूरा देखेंगे, तो आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि कहाँ हम लोगों ने CNC मशीन्स, जो कि कंप्यूटराइज मशीन्स होती है, उसका इस्तेमाल किया है, एंड टॉप ऑफ द लाइन मशीनरीज है हमारे पास। हमारा जो फैक्ट्री है, जो हमारा फैसिलिटी यूनिट है, उसके अंदर एक एक डिटेलिंग होती है, एक एक चीज़ें होती है। मैं बोलूँगा इंटरनेशनल मशीन्स भी है हमारे पास, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रोडक्ट करते हैं। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनता, वेंटिलेशन का ध्यान, चीज़ों का ध्यान, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से प्लान आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपने ये पूरे स्पेस में क्या क्या एकोमोडेट किया है जी। आइए मैं शुरुआत से आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ। इस बार हम लोगों ने कोशिश क्या करी है, हर बार जैसे हम एक थीम पकड़ते हैं कि जैसे साउथ इंडियन हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, उसको पकड़ के करते हैं। इस बार हमने क्या किया, द रीज़न बड़ा दिखाने का था, सो दैट कस्टमर को ये दिखे कि हम
किसी भी तरीके का कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग इसमें सेटअप्स दिखाए, अलग अलग चीज़ें दिखाई है। जैसे ये अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा मॉकटेल स्टेशन है। अब इसमें क्या होता है, आप जब कोई भी बेवरेज या चीज़ें बना रहे हैं, आपका जो बारटेंडर है या आपकी बॉटल्स है, सिरप बॉटल्स है या आपकी आइस है, बर्फ़ डालना, इधर आपका सिंक है या आपका ब्लेंडर पड़ा है, मिक्सी पड़ी है, इसके अंदर आपके ग्लासेस पड़े, रिमूवेबल है। अगर आप ये देखेंगे ये एक एक डिटेल पूरा परफोरेशन है, ये प्रॉपर सीएनसी मशीन से एक एक चीज़ करी गई है। उसके बाद ये आपका पॉइंट ऑफ सेल है जिसके अंदर प्रॉपर एक कैश ड्रॉअर दिया गया है, यहाँ पर आप अपने कस्टमर से डील कर सकते हैं, कुछ भी उनको सर्व करना हो बड़ी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन हम लोगों ने स्पेस दिया है, या हम लोगों ने आगे क्या दिखाया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने अपना इंडियन जो सेक्शन होता है उसको दिखा दिया। ये कॉन्डिमेंट्स है, जैसे टकाटक जो हम देखते हैं वो टकाटक है जिसपे हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। कल को अगर हम इस पर कुछ ना कुछ ग्रिलिंग करना चाहें, हल्का शैलो फ्राइंग करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। या हम लोगों ने आपको दो बर्नर रेंज दिया है, एंड ये आपका उल्टा तवा का पराठा जिसे हम रुमाली रोटी भी कहते हैं उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए है। प्लस मतलब आप जिस भी तरह की खाना बनाना चाहे उसके अकॉर्डिंग जो किचन इक्विपमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल जी। प्लस मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि हम लोगों ने स्पेस का कितना अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। ऊपर पूरा गर्म कुकिंग बैटरी है और नीचे उसके रेफ्रिजरेशन यूनिट है। मतलब ये आप समझो, ये एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते, और हमने उसको इतने प्यार से पूरा का पूरा यूज़ किया है कि आपको स्पेस को यूटिलाइज़ करो। आजकल क्या होता है, कस्टमर के पास स्पेस की कमी है एंड उसे चाहिए सब कुछ, तो उस तरीके से पूरा यूटिलाइज करके नीचे रेफ्रिजरेशन दिया है, ऊपर हमारा सारा कुकिंग बैटरी है, उस तरीके से सारा प्लान किया है। अच्छा, इधर गैस बैंक, ये आपका गैस बैंक है जी। प्रॉपर प्रेशर गॉज है, मैनिफोल्ड इसके अंदर लगा है, दो सिलेंडर्स का कट ऑफ सिस्टम है, सेफ्टी फीचर्स है। हम जैसे पहले ज़माने में आपको सुनते थे ना, जैसे सिलेंडर्स बर्स्ट होते थे, चीज़ें होती थी, हम लोगों ने एक ऐसा फीचर भी उसके अंदर लगाया है जिससे आपका जो गैस है वो रिटर्न नहीं होगा। उससे क्या होता है कि आपका सेफ्टी का सेफ्टी बरकरार रहता है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर रेंज की बात करें, ये हमारा एक पैनेशियन रेंज है जिसके अंदर दिस अ वॉक, हमने स्टॉक दे दिया, स्टीमिंग का ऑप्शन दे दिया। प्लस क्या होता है कि चाइनीज़ में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वो हीट अप हो जाता है, तो हम लोगों ने जो आप ये देख रहे हैं पूरा परफोरेशन दे रखा है, इसको आप ऑन करते हैं ये पूरा वाटर होता है, इसको कूल डाउन करता है, एंड ये पूरा उसका ड्रेन है। छोटी से छोटी चीज़, प्लस आप देख रहे हैं कि हाइट कितनी है, चाइनीज़ के अंदर उस पर्पज से होता है सो दैट कि आपका स्पिल ना हो, बिकॉज चाइनीज़ व्हेनेवर यू सी इट्स ऑलवेज टॉसिंग, वो कभी भी स्टिल नहीं होता, वो हमेशा हिला रहा होता है। सो वो एक छोटी छोटी आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ पर एवरीथिंग, अगर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये पता है कुकिंग है तो क्वेश्चन हॉट सरफेस गर्म हो जाएगा, उसका ध्यान दिया। प्लस प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है, हम लोगों ने पूरा का पूरा एक हुड बनाया है, और जनरली अगर कोई बंदा अपना होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है उसको पता होगा हुड जो होते हैं वो दो दो फुट के होते हैं। अब हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट में दो फुट का बना दूंगा तो शेफ का तो सर ही टकराते रहेगा। सो वी मेड दिस मॉडल स्पेशली फॉर फूड ट्रक्स, स्क्वीज डाउन कर दिया उसको, स्लैंट कर दिया, कॉम्पैक्ट बना दिया, एंड इंजीनियरिंग उसका ध्यान में रखा है कि आपका स्लोप है जो ग्रीस है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो जाएगा। सो वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रख के किया है। ये हमारे फ्रायर्स आ गए, यह हमारा फ्राइड डंप है, हमने कुछ भी कुक किया हम लोगों ने डाला, इसके अंदर क्या होगा जैसे आप मैकडोनल्ड्स वगैरह में देखते हैं ना, आपके फ्राइज बन रहे हैं, आपका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा, और या हीटिंग एलिमेंट है जो उसको गर्म रखेगा, तो उस तरीके से किया है। प्लस अगेन रेफ्रिजरेशन का ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा नीचे कुकिंग बैटरी के नीचे गर्म, मतलब स्पेस आपका खाली नहीं रहेगा, प्रॉपर यूटिलाइज होगा, प्रॉपर काम के प्रोडक्ट्स। शुभम जी, मेरा मानना ये है अगर आप पैसे खर्च रहे हो ठीक है, तो आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो ना, इतनी बित्ती जगह पे आप क्यों छोड़ रहे हो। सी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, अगर मैं मार्केट में कुछ लेने जा रहा हूँ तो मैं उसका 100% यूटिलाइजेशन चाहूँगा ना, मैं नहीं चाहूँगा कि उसका यूटिलाइजेशन ना हो। तो वो पूरा का पूरा ध्यान में रख के किया जाता है। यहाँ हमारे ब्रॉयलर्स आ गए हैं, सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ब्रॉयलर है, इसके अंदर आप डायरेक्टली आपका लावा स्टोन या कोल डाल के डायरेक्टली चिकन कर रहे हैं, फिश कर रहे हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर ग्रिल हो जाएगा, यह आपके उसके अंदर स्टोन्स चल जाएंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो गैस फायर्ड, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हमारे पास्ता बॉयलर्स हैं, जनरली क्या होता है पास्ताज अलग अलग तरीके के होते हैं, स्पेगेटी है, पेने है, तो पोर्शन वाइज आपने उसको स्टीम किया, देन यहाँ पर आपने कुक किया और उस तरीके से किया। प्लस एक छोटी सी चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ भी हमने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है, दीज आर ऑल वेरी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो कहने का आइडिया और दिखाने का आइडिया ये है कि हमारे पास सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो क्योंकि आप लोग किचन इक्विपमेंट भी बनाते हैं तो आपके पास ये फुल्ली कस्टमाइज्ड रहता है। आप बताएं हमें क्या बनाने हैं,
क्या काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारा शुरू जी भी देते हैं। मतलब कहने का कुछ इस तरीके से, किचन इक्विपमेंट बनाते हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, एंड वी हैव आर फुल इन हाउस टीम जो पूरा एक प्लानिंग से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक हेल्प करती है। इसका मतलब आप मुझे बताइए कि पार्ट मैं एक नॉर्थ इंडियन खाना बेचना चाह रहा हूँ, मैं थाली सिस्टम करना चाह रहा हूँ, मैं मल्टी कुजीन करना चाह रहा हूँ, या जो भी आप करना चाहते हैं, आप बेकरी करना चाह रहे हैं, आप बेवरेज ब्रांड कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है वो आप बताइए एंड हम आपके लिए प्लान आउट करेंगे पूरा का पूरा लेआउट एक एक डिटेल में, वी विल शेयर दैट विद यू, आपकी सजेशंस लेके एक फाइनल लेआउट आके तब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी इस तरीके से काम नहीं करते कि आपने मुझे बोला कि ये चीज़ है और मैंने आपको बता दिया अच्छा ये ऐसे नहीं होता। आई नीड टू अंडरस्टैंड आप क्या चाह रहे हैं, उस पर डिटेल डिस्कशन करके, डिटेल आउट करके, तब एक अच्छा एक सॉलिड प्रोडक्ट आता है। तो प्रॉपर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, पहले आपने आइडियाज लिया, आइडियाज को आपने वो 3D पर डिज़ाइन किया, 2D डिज़ाइन किया, फिर उनको दिया, फिर आप रिव्यू लेते रहते हैं और प्रोडक्ट में फिर वो सी आप एक चीज़ समझिए, टू एंड फ्रो बहुत ज़रूरी है कस्टमर के साथ। कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझेंगे, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे, उसको दिखाएंगे, उसके इनपुट्स लेंगे, तभी तो जाके एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा। मतलब हमारा इस तरीके से नहीं कि हम एक चीज़ कस्टमर पे एक चीज़ पुट कर दे, नहीं जी सर ये ऐसा ही होगा, इस तरीके से नहीं होता। एंड ऑब्वियसली वी डू सजेस्ट आवर कस्टमर्स अ लॉट, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ हमारे इनपुट्स चाहिए, यू नीड टू नो, आपको जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ करा जाए, किस तरीके से, तो हम पूरा का पूरा आपका हेल्प करते हैं, एक एक चीज़ के अंदर ध्यान रख के सारा एंड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सर कुछ जैसे अभी ये करंटली जो ट्रक है, कुछ आइडिया दे सकते हैं, कुछ एवरेज आइडिया दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास जनरली जो प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, अगर मैं ट्रक्स ट्रेलर्स एंड इसकी बात करूँ, 6-6.5 लाख से स्टार्ट होता है एंड 50-55 लाख तक के ऑप्शन है। अब बेसिकली क्या है, स्काई इज द लिमिट। इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर मैं बात करूँ, ये जो मॉडल है वो है 23.5 लाख का, 23,50,000 का मॉडल है, जिसके अंदर आपका जितना आप इक्विपमेंट देख रहे हैं सारा इक्विपमेंट है, आपकी ब्रांडिंग है, आपके साइनेजेस है, कलर स्कीम्स चीज़ें, सारी चीज़ें इन स्टॉप कंप्लीट सॉल्यूशन है। मतलब आप ये समझिए कि जहाँ आप रेस्टोरेंट खोलने जाते हैं, आप चीज़ें करने जाते हैं, कई करोड़ लग जाते हैं, यहाँ आप 20 लाख के अंदर यार पूरा का पूरा दुकान खोल के बैठे हैं, पूरी चीज़ कर रहे हैं। सो आप कोई भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कम बजट में करना चाह रहे हैं, हमारे पास उसके भी ऑप्शन हैं। सो तो आपके हिसाब से हम बनाते हैं। सारे कमेंट्स आते हैं कि इसके लिए MCD की परमिशन भी चाहिए या क्या कुछ? डेफिनेटली सी आप हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पहली तो हर सिटी के अंदर अलग हिसाब से होता है, ठीक है, हर सिटी में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग गवर्निंग अथॉरिटी है, जिस तरीके से काम होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहती है अगर आप किसी गवर्नमेंट के लैंड पर कर रहे हो तो डेफिनेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट लैंड पर कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हो, तो आपको एक डिफरेंट थंब रूल हो जाते हैं ऑल टुगेदर। सो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, क्या चीज़ हम कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, उस तरीके से सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप जहाँ पर लगाना चाह रहे हो आप वहाँ का रूल देखो और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हम लोग हेल्प आउट भी करते हैं डेफिनेटली, सी जितने इनपुट्स जितनी मदद हम कर सकते हैं वी ट्राई टू गिव आर 100%। आपके कुछ इनपुट्स होते हैं, आपकी कुछ चीज़ें होती है, वी डेफिनेटली सजेस्ट यू, हम हेल्प आउट भी करते हैं कि अच्छा आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट। कई बार हमारे पास कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हम कुछ करना चाह रहे हैं फूड लाइन में, हमारे पास सारी चीज़ें, बट हम किस तरीके से किया जाए, क्या करा जाए, सो हम उसे पूरी मदद करते हैं। वी टेल देम कि अच्छा ये नया चीज़ है, आजकल ये चीज़ चल रही है, आप ये चीज़ कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरियन फूड का ज़माना है चीज़ें, सो वी आर वेरी मच अपडेटेड ऑन थिंग्स लाइक यू नो व्हाट इज़ न्यू, व्हाट ऑल इज़ देयर। सो उस तरीके से हम पूरा का पूरा उनको हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो जैसे ये जो प्रोडक्ट्स है इस पर कुछ वारंटीज भी आप लोग रखते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें? सर बेसिकली क्या, आप एक चीज़ समझो, आफ्टर सेल सर्विस के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। 1 ईयर वारंटी हमारा पूरे प्रोडक्ट पे है अगेंस्ट एनी मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट। उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ें होती है, वी हैव आर बैकअप, हमारे पास पैन इंडिया अगर आपका हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, एंड हमारा जो कस्टमर बेस है वो पूरा स्प्रेड अक्रॉस है। आप जम्मू साइड पे जाओ, कश्मीर में जाओ, वहाँ हम लोगों ने प्रोडक्ट दिया है, श्रीनगर में दिया है, हम लोगों ने दिल्ली NCR तो हम कर ही रहे हैं, पंजाब साइड पे दिया है। आप डाउन साउथ की बात करो, हैदराबाद हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंटेल है, बैंगलोर है, चेन्नई अभी हम लोगों ने किया है, उसके बाद मैसूर है, कोलकाता साइड पे है। सो इवन आप विजयवाड़ा जाओ, गुंटूर जाओ, यू विल सी आर प्रोडक्ट। मतलब हम फैले हुए हैं चारों तरफ, हम फैले हुए हैं, हमारे कस्टमर्स हर जगह है, प्यार हमारे को हर जगह से मिल रहा है, हम बहुत यू नो
थैंक्स टू ऑल आर कस्टमर यू नो हु हैज सपोर्टेड अस, जिनका हमारे को सपोर्ट है, उन्हीं के कारण यू नो हम यू नो वो कहते हैं ना, वो आपको मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए और कुछ नया करने के लिए, उन्हीं के कारण हम हर बार कुछ एक नया प्रोडक्ट लाते हैं जी। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली, सो मैं अपना कार्ड भी फ्लैश करता हूँ और मैं आपको अपना नंबर भी देता हूँ। मेरा नंबर है 9953280481, 9953280481। आप इस पर रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं चीज़ें, एंड हम डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। चलिए चलिए, एंड एट लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स से और आप अपने कस्टमर से? डेफिनेटली, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रोडक्ट जो आप ये चीज़ खरीदते हैं वो आप बार बार नहीं खरीदते, ठीक है, इट्स अ वन टाइम थिंग, आप एक ही बार चीज़ खरीदते हैं, सो वो इतनी सॉलिड और इतनी स्टर्डी होनी चाहिए कि वो लास्ट लॉन्ग करे। मतलब वो हमारी पुरानी पंजाबियों की कहावत है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, माल ऐसा होना चाहिए कि दादा खरीदे पोता पढ़ते, और उसी फिलॉसफी को हम फॉलो करते हैं कि प्रोडक्ट स्टर्डी होना चाहिए कि वो कई सालों तक चले। सो उसी तरीके से हम सारा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एकदम हैवी ड्यूटी स्टर्डी टॉप नॉच प्रोडक्ट। जैसे हमारा कंपनी का नाम है शिक व्हील, शिक शिक का मतलब ही टॉप नॉच है, प्रीमियम है और बेस्ट है, एंड वी ट्राई आर बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट थिंग टू आर कस्टमर। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा, और आप जहाँ जहाँ जाओगे हम लोग वहाँ आएंगे। जी जी, तो यहाँ पर आपने देखा इन मॉडल के बारे में, और आपने पिछला वीडियोस भी देखा होगा, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।